हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। यही वीडियो रे हमें डिस्कशन करिबा दशम श्रेणी समेटिव असेसमेंट वन एग्जाम पई भौतिक विज्ञान रो सिलेक्टेड सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक अच्छे, तुमको देखेबी मुझे एवं कौन कौन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे जोड़ा तुम ये एस एवन एग्जाम आसव से गुड़क आम आलोचना करवा एवं जदि तुमने एपर्तंत आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक देखिए क्लिक कर तुम्हें जॉइन कर पार से एस एवन रुकी क्वेश्चन आंसर र पीडीएफ गुड़ी को अपलोड होची तुम्हें सेठू पाइपर एवं से पढ़ी पार। ठीक अच्छे, तो चलत स्टार्ट करा भौतिक विज्ञान कौन सब एमती सिलेक्टेड सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से गुड़क डिस्कसन करवा। क्वेश्चन देखा पूर्व प्रथम तुमको आम एग्जाम पैटर्न देखा भौतिक विज्ञान सब कमी प्रश्न आसव ना भौतिक विज्ञान सब्जेक्टिव 15 मार्क क्वेश्चन आसव से 15 मार्क रु एक नंबरटा हो तुम 8 मार्क दुई नंबरटा 7 मार्क तो एक नंबर 8 मार्क कौन 8 मार्क क्वेश्चन ना एक नंबर तीन टा बिट अच्छे प्रथम बिट्रे तुम तीन मार्क दिले थी गोटे लिख बिट टू भी कौन कर तुम तीन मार्क दिले थी गोटे लिख बिट थ्री भी कौन कर सही दुई मार्क दिले थी तुम जो गोटे लिख है तीन मार्क तीन मार्क दुई मार्क मोटे गल 8 मार्क तुम दुई नंबर दुईटा बिट अच्छे बिट वन चार मार्क आस बड़ लंग क्वेश्चन और बिट टू दुई मार्क गोटे सर्ट क्वेश्चन आसव एम सरी दुई मार्क ना तीन मार्क गोटे सर्ट क्वेश्चन आसव तो यह प्रकार तुम एग्जाम पैटर्न अच्छे तो ये तुम जो क्वेश्चन गुड़क नहीं आसना ए सबुति दुई मार्क अच्छे ए भितर तुम तीन मार्क वाला चार मार्क वाला सब मिसेक अच्छे तेनाली बही बाहर कर तुम जो टेस्ट पेपर अच्छे से बाहर कर तुम पढ़ी पार सबुजा प्रश्न उत्तर। देख क्वेश्चन नंबर वन होमर प्रथम देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण ए पाठर कौन कौन अच्छे ए पाठर प्रथम प्रश्न होगा सढ़ा अवस्था क्या कहते बुझाओ यह प्रतिरोध करने व्यवहित होता पद्धति लेख है कि सढ़ा अवस्था विषय पचार तो सढ़ा अवस्था विषय में भले पड़ आ किपर प्रतिरोध कराया देखेदेव दुई मार्क या तीन मार्क प्रश्न आसपार रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहुए यार प्रकार भेद उदाहरण सह आलोचना कर यहाँ पचार लंग क्वेश्चन कौन जान रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहुए तार जो चार्टा प्रतिक्रिया पचार अच्छे सब जगह कह पारे चार्टा प्रतिक्रिया क्या मानने से विषय तुम कौन जान क्या कहुए आ तार समीकरण उदाहरण दब समीकरण दर्शेदेव बुझल आम संश्लेषण अच्छे विस्थापन तापर आम कौन विघटन अच्छी द्वैत विस्थापन है सीरीयल कौन संश्लेषण तापर विघटन देन विस्थापन द्वैत विस्थापन तापर आम जहाँ कि जारण विजारण से इम्पोर्टां तेणु रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकार भाग छट जहाँ तुमको पढ़ाक पड़ो छट जहाँ भल्ट पड़ी जारण विजारण देख मुझ तीन नंबर अलग दे जारण विजारण प्रतिक्रिया क्या कहुआ सेटा भी समस्त भल्ले पड़ी आ तुम तापोत्पादी ताप शस्य अच्छी ना से समस्त भल्ले पड़ो बास आ कि ना बहुत सहज सढ़ावस्था पढ़व तार प्रतिरोध करने पड़ो किपर प्रतिरोध कराए रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहुए तार जो विभिन्न प्रकार भेद अच्छी तुम्हें चार प्रकार पढ़ कहीं एटी लिखाई जारण विजारण विषय है से भले पढ़देव से कौन कर संश्लेषण क्या कहुए ना दुई कि दुई अधिक प्रतिकारक मिसी गोटे उत्पाद पढ़ दे संश्लेषण कहुए एमती का क्या कहुए पढ़ो तार गोटे गोटे उदाहरण समीकरण दर्शक देदेव एमती जारण विजारण प्रक्रिया कौन तार एर जारित विजारित होता पदार्थ नाम लेख गोटे उदाहरण देखिए ताप उत्पादी कौन ताप शुष रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सब जगह तुम बही भितर मिल जाव आराम से तुम से पढ़ी पार बहुत सहज तापर देख अम्ल क्षारक लवण अम्ल क्षारक लवण अम्ल क्षार लवण कौन अच्छे देख तुम ना क्लोरोअल्काली प्रणाली पढ़व प्रसमनीकरण कौन पढ़व आ प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तीन टा तुम सॉर्ट क्वेश्चन आसव दुई मार्क या तीन मार्क वाला क्वेश्चन जाक खाइबा लुण रु ब्लीचिंग पाउडर किपर हो खाइबा सोडा आ धोबा सोडा प्रस्तुति प्रणाली मानते किपर हो सब जगह व्यवहार आलोचना कर तीन जगह पढ़ दो ब्लीचिंग पाउडर खाइबा सोडा धोबा सोडा ब्लीचिंग पाउडर खाइबा सोडा बहुत इंपोर्टेंट अच्छी धोबा सोडा इंपोर्टेंट बट तुमको पढ़ाक पड़ो कौन से मत भी छाड़बन है भितर ना सियोर पड़ो ब्लीचिंग पाउडर हो खाइबा सोडा धोबा सोडा भितर कनफर्म पड़े तुम तार व्यवहार तार प्रस्तुति प्रणाली खाली व्यवहार पचार ना खाली प्रस्तुति प्रणाली पचार दे कि जब चार मार्क पचारा तो मिसेक पचारद व्यवहार सहित प्रस्तुति प्रणाली पचारद तेनाली भल्ले पढ़देव तापर आसा पीएच कौन दैनन्दिन जीवन में पीएच रुत्व कौन एति बास मात्र एति की तुमको पढ़ाक पड़ो अम्ल क्षार लवण रु भल्रे आसला धातु 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 कौन अच्छी देख ना थंडा जल उत्तप्त जल बांप सहित मानते कह जल सहित धातु किप रासायनिक प्रतिक्रिया है कौ जल सह प्रतिक्रिया कौन हम से विषय में भले पढ़ो उदाहरण सह पढ़ उदाहरण सहित कौ धातु का सह प्रतिक्रिया करमी कर बुझल ना तो यहाँ इंपोर्टेंट अच्छे धातुर संख्यारण और किपर प्रतिरोध करोटा कि एनोडाइजिंग विषय में पढ़देव बुझल धातुर संख्यारण तार प्रतिरोध यहाँ पढ़व कैल्सियम रोस्टिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट टू मार्क्स आसो ए बहुत इंपोर्टेंट अच्छे है आपको छाड़बन भूल भी कैल्सिनेसन और रोस्टिंग विषय एक मार्क तुम अब्जेक्टिव आसपे भितर तेनाली भूल भी छाड़बन कैल्सिनेसन रोस्टिंग कौन
ଆଇନିକ ଯୌଗିକ ଏବଂ ଏହାର ଧର୍ମ, ଏଇଟା ତୁମେ 4 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରିବ। ଆଇନିକ ଯୌଗିକ କ'ଣ, ଏହାର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଡଟ୍ କ୍ରସ୍ ସଂରଚନା ଦ୍ୱାରା ଆଇନିକ ଯୌଗିକର ଗଠନ କିପରି, ଆଇନିକ ଯୌଗିକ ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡଟ୍ କ୍ରସ୍ ସଂରଚନା ତାର ଚିତ୍ର କରିକି ଦର୍ଶେଇବ, ହେଲା ନା। ତାପରେ ଏମ୍ପୋଟେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ଏତିକି ବାସ, ଏତିକି ହେଉଛି ତୁମର ଧାତୁ ଧାତୁର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ, ହେଲା। ଟୋଟାଲ 5ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ନା, କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ। କାର୍ବନ ଏହାର ଯୌଗିକରେ କ'ଣ ଅଛି, ହୋମୋଲଗ ଶ୍ରେଣୀ ଆ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବ, ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଅପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ କ'ଣ ଭଲରେ ଏସବୁ ଦେଖିଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ, ତାକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦର୍ଶେଇବ। କାର୍ବନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ବନର ସର୍ବଗୁଣଧାରୀ ପ୍ରକୃତି, ଏଇଟା ଭଲରେ ପଢ଼ିଦେଇଥିବ ସମସ୍ତେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇକି ପଚାରିପାରିବେ ସେ, ତେଣୁ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯାହା ଅଛି ସଂଚନା ଭଲରେ ପଢ଼ିଦେବ। କାର୍ବନର ବିଭିନ୍ନ ଅପରୂପ ହୀରା, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍, ସେ 3 ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଦେବ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଡଟ୍ କ୍ରସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଦେଦ, ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ପଚାରିଦେବ ତୁମକୁ ସେ, ବୁଝିଲ। କୌଣସି ସେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଚାର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପଚାର, କିମ୍ବା ମିଥେନ୍ ହଉ, ହେଲା ନା, କିମ୍ବା ଇଥେନ୍, ଏ ପ୍ରକାରର ସେ ଦେଇଦେବ, ଯୌଗିକର ସଙ୍କେତ ଦେଇଦେବ, ପଚାରିଦେବ ତାର ଡଟ୍ ସଂରଚନା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଦର୍ଶାଅ, ଚିତ୍ର ପଚାରିଦେବ, ବୁଝିଲ। ଆଲକେନ୍, ଆଲକିନ୍ ଓ ଆଲକାଇନ୍ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦର୍ଶେଇବ, ଆଲକେନ୍ କ'ଣ, ଆଲକିନ୍ କ'ଣ, ଆଲକାଇନ୍ କ'ଣ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତା ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ। ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିଥିବ, ଏତିକି ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ, ସବୁଠୁ ଶେଷ ପାଠ ଏଇଟା। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରଥମ 3 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣ ଯେ, ସରି 2 ଡୁବ୍ରିନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସିପାରେ, 3 ମାର୍କ ବେଲେ ଆସିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଡୁବ୍ରିନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ, ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ମୁଁ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରିବ, ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଗୁଣ କିପରି ବଦଳେ, ହେଲା, କିପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ମୌଳିକ କେମିତି ଅଛି, ଯେଉଁ ବାମୁରୁ ଡାହାଣ ଅପରତଳ ନାଇଁ କି, ଏମିତି ଗଲେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ ବଦଳୁଛି, ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣରେ ବୋଲି କହିଛି, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣରେ କିପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ବଦଳୁଛି, ସେଟା ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣର ତ୍ରୁଟି ଏଇଟା ଦେଖିବ, ତା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଓ ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ହେଲା। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ, ମେଣ୍ଡେଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପଢ଼ିଦେବ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଢ଼ିଦେବ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଦେଇଥିବ। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର କେବଳ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, 2 ଦିନ ସମୟ, ଆଜି ରାତି 12ଟା 15 ପୁଣି କାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ତୁମର ସମୟ ଅଛି, ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ବି ତୁମଠି ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଆରାମସେ ତୁମେ ଏତିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।